To keep your brain fit and active, logically solve one puzzle every day. ज्यादा से ज्यादा वक्त 10 मिनट। मैं एमएम पटेल इस सेशन में आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए देखते हैं आज की पजल। आज की पजल में आपको दिए गए हैं 9 अंक, 1 से लेकर के 9 तक के। इन 9 अंकों को 3x3 के ग्रिड में इस तरह बैठाया गया है कि यदि आप किसी भी रो के 3 अंकों को जोड़ें, किसी भी कॉलम के 3 अंकों को जोड़ें और किसी भी डायगोनल के 3 अंकों को जोड़ें, तो आपको सम मिलता है 15। अब आपको इन 9 अंकों को रीअरेंज करना है। रीअरेंज इस तरह से करना है कि 15 छोड़ करके कोई दूसरा टोटल आप ला सकें, 14 ला सकें, 16 ला सकें, 13 ला सकें, 17 ला सकें। रीअरेंज अंकों को करना है। मैं निवेदन करूंगा, मेरा सॉल्यूशन देखने के पहले आप इस पजल को अपने से सॉल्व करें। इस तरह की पजल हम पहले सॉल्व कर चुके हैं, इस तरह की पजल को सॉल्व करने का लॉजिक भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। यदि आप अपने से सॉल्व करने का प्रयत्न करेंगे तो आपकी लर्निंग रीइंफोर्स होगी। वीडियो बंद करें, अपने से सॉल्व करें। तो चलिए अब देखते हैं मेरा सॉल्यूशन। यहां पर हमने कितने डिजिट यूज किए? 9, 1 से लेकर के 9 तक के। यदि 1 से लेकर के 9 तक की संख्याओं को हम जोड़ें, 1+2+3+9, तो हमें टोटल क्या मिलेगा? 45, 45। 45 को यदि हम 3 से डिवाइड करें तो हमें आंसर मिलता है 15। यदि इन 9 अंकों को 3 ग्रुप में इस तरह से बांटे कि हमें 3 अंकों का सम इक्वल मिले, तो हमें 15 ही मिलेगा। यदि हम इन अंकों को 3 ग्रुप में डिवाइड करें और इस तरह से डिवाइड करें कि किसी भी ग्रुप के 3 अंकों का सम मिले 15, तो यह संभव है, क्योंकि हम देख चुके हैं 45/3=15। 9 अंकों को 3 ग्रुप में किसी और सम के लिए, किसी और इक्वल सम के लिए डिवाइड करना इम्पॉसिबल है। इसलिए इस पजल को हम सॉल्व नहीं कर सकते। दिए गए कंडीशन में ये पजल इम्पॉसिबल है। 501 पजल की इस यात्रा में इसी तरह नई नई बातें सीखते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। अगली पजल में फिर से मुलाकात होगी। थैंक यू, धन्यवाद।